इतनी मछलियां पकड़ने के लिए अंकल को लगे है, सुबह 6 बजे गए और अभी जस्ट बजे है 9:30 बजे, तो इतनी देर लगी इतनी Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. So here is day 2 in Konkan. मैं हूँ अभी कोंकण में मेरे दोस्त के होम स्टे पे, तो ये होम स्टे बहुत अच्छा है गाइस। आप इधर आने वाले हो कोंकण घूमने तो इधर यार डेफिनेटली इधर रहने के लिए आ सकते हो, इतना अच्छा होम स्टे है। तो अभी है डे 2, मेरे पीछे है समुंदर, उधर है बीच, तो उधर जाना है मछली निकालने जाना है। तो अभी हम जाते हैं यार, रात भर बहुत बारिश हुई, मतलब रात को नहीं सुबह हमें जब जाना था 7 बजे तभी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, तो क्या करूँ यार कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी सुबह सुबह बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा कि लेट उठा जाए, तो अभी हो चुके हैं 8:30, 9:30, तो हम अभी जा रहे हैं बीच पे, तो मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्टली बीच पे, तो लेट्स गो गाइस। ये है रास्ता और इसके सामने है इधर बीच, तो इधर देख सकते हैं समुंदर यहाँ पे पास में ही दिख रहा है, बट यहाँ से जाने के लिए थोड़ा खराब रास्ता है, तो हम जाएंगे सीधे यहाँ से उधर जाने के लिए रास्ता है, सो लेट्स गो, चलते हैं डायरेक्ट समुंदर पे। सो गाइस ये जो दिख रहा है ये इधर 7वीं तक का स्कूल है इधर, और यार स्कूल भी देखो ना कैसी जगह पे है ये स्कूल, इसके पीछे पहाड़, उधर की है इन्होंने राइस की खेती, और इधर ही समुंदर, इधर से ही समुंदर जाने का रास्ता, मतलब ये स्कूल भी इतनी अच्छी जगह है पे कि क्या बोले यार। तो इधर है समुंदर सामने, और उधर बहुत से लोग इस टाइम मछलियाँ पकड़ते हैं। हम सुबह सुबह जाने वाले थे बट बारिश की वजह से नहीं जा पाए, तो अभी समुंदर पे जाते हैं। तो देख सकते हैं जावेद काका उधर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो उनको अभी शायद से मछली पकड़ के उनका हो गया है, तो अभी वो लाएंगे और ये जो लकड़ी है इसके ऊपर से उनकी बोट चढ़वाएंगे डायरेक्टली ऊपर। जावेद काका है, उनकी मछलियाँ पकड़ के हो चुकी है, तो अभी वो बोट ऊपर ला रहे हैं, तो कैसे लगाते हैं हम लोग देखते हैं। और समुंदर में आज सुबह सुबह ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं है, शांति ही है। सकते अंकल ने कितनी मछलियाँ पकड़ी है, ये जो फेंकड़ा था वो हमने कल रात खाया था ऐसा ही, और ये सब मछलियाँ। और इधर है जो इसको लॉबस्टर बोलते हैं शायद हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना, बट इतनी मछलियाँ पकड़ने के लिए अंकल को लगे है, सुबह 6 बजे गए और अभी जस्ट बजे है 9:30 बजे, तो इतनी देर लगी इतनी मछलियाँ पकड़ने, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद। और अंकल पूरा इधर नहीं, वो बोट तो भी पास में, उसके भी उस तरफ गए थे, मतलब इतना रिस्क लिया था अंकल ने। सो गाइस हमें जो मछली चाहिए थी वो जावेद काका ने हमें दे दी है, साइड में उधर उस नाव में ही रखी है। मैं थक गया हूँ यार इधर आते आते, तो अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे और हम लोग तैयार होके जाएंगे मछली की नीलामी देखने। बहुत बड़ा मार्केट लगता है इधर दिव्यागर में, तो मार्केट एक्सप्लोर करने, सो लेट्स गो चलते हैं। गाइस मैं हो चुका हूँ नहा धो के तैयार, और तैयार है हमारी एक गाड़ी, जो दूसरी गाड़ी है वो 3 बंदे लेके आ रहे हैं, बट अभी हम हैं तैयार जाने के लिए फिश मार्केट देखने। अभी बहुत लेट हो चुका है, तो हमें उधर लीलाव देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं, पर फिर भी हम जाएंगे, बाकी का मार्केट भी देखेंगे। और अच्छी खासी कल धूप बिल्कुल भी नहीं थी, कल एक थोड़ी भी धूप नहीं थी, इतना पूरा वातावरण बारिश का हो चुका था, बट अभी पूरी धूप के लिए तो मेरी स्माइल भी के लिए। अभी नाश्ता किया मैंने हमारे दोस्त के घर पर, हम जा रहे अभी
मार्केट, सो लेट्स गो, चलते हैं, मैं दिखाता हूँ जाते जाते। दिव्या अगर भी आज आपको दिखाऊंगा, मैं एक आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सो लेट्स गो, चलते हैं और देखते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. So guys, हम आ चुके हैं दिव्या घर के मार्केट में। अभी मैं मार्केट थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो ये दिव्या घर का मार्केट और इधर चल रही है बड़े मछलियों की नीलामी। कोळंबी म्हणतात ना, कोळंबीन पापलेट आणि ती सुरमई। इधर ऐसा कुछ मार्केट है यार, इधर रुकना मतलब ऐसा है कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा मार्केट नहीं है बट यहाँ पे बहुत इधर होती है मछलियों की नीलामी। इधर नीलामी होती है। चल 1500 ने आज नाही हो, उद्या घ्यायचे। फक्त आज बघायला आलोय मार्केट, याच्या घरी आलो आम्ही। नाही इधर होती है बड़े बड़े मासे मच्छियों की नीलामी। नीलामी तो मैं दिखा सकता हूँ बट मुझे नहीं लगता कि वो दिखाने देंगे। फिर भी जितनी भी कोशिश करूँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आपण नाही ना करू शकत ही नीला भी मार्केट वाल्यांसाठी ऐक ना, त्यांचं ठराविक दुकान आहे ते। बघ 20-25 हजार घेऊन आहे नीला बिला बस। हा ते म्हणून आहे ये बात कर रहा है।
देख सकते हैं यार इधर मतलब कोलम भी कितनी क्वांटिटी में है। इधर आई थिंक ये सुरमई, ये पॉपलेट, ये पॉपलेट और उधर उधर भी पापलेट है, इधर भी पापलेट है, हर जगह पापलेट ही पापलेट है। और इसको क्या कहते हैं उसको जानना पड़ेगा। ताई, ओ ताई, ये नाव का है हाँ लेप, इसका नाम है लेप। और इधर में पूरे मस्त मछलियों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में छिलापी भरी जा रही है। सॉरी क्या बोलते यार इसको, कितनी क्वांटिटी में पापलेट भरी जा रही है। यही पापलेट का रेट अपने उधर कितने का है भाई? 1000 रुपए किलो अपने उधर रेट है। और इधर देख सकते हैं हमें 1000 में ये 3 प्लेट मिल रहे थे, 2-3 प्लेट। इधर देख सकते हैं अलग अलग मछलियाँ, इधर भी मतलब देख सकते हैं यार इधर मतलब नीलामी जो होती है वो उधर होती है। और हम कर सकते हैं शायद से, बट उसके लिए हमें 25-30 हज़ार लाने पड़ेंगे नीलामी में उतरने के लिए। तो इधर देख सकते हैं बड़ा मछली भाई, ये जो मछली है इसका पूंछ में जहर होता है। और देख सकते हैं इतने बड़े बड़े मछलियाँ यहाँ पे। और इधर है सुरमई, करली इसको बोलते हैं, करली। और इधर देख सकते हैं यार इतना बड़ा मछली है, बट इसको खाते हैं, बट इसका जो पूंछ होता है वो जहरीला होता है। बाकी मार्केट में और भी आपको एक्सप्लोर करता हूँ मैं, मिलता हूँ थोड़ा बीच के साइड के घर उधर के बोट एक्सप्लोर करने। सो लेट्स गो यार, मतलब इधर बिजनेस देखने के लिए, मतलब बिजनेस करे हम लोग ना तो बहुत कुछ कमा सकते हैं, इतना पैसा है यहाँ पे। मतलब ये जो मछली इधर हमें वो 3 प्लेट 1000 में मिल रहे थे, वही हम पुणे में बेचने गए तो 3-4 हज़ार मिल जाएंगे, इतना उधर पैसा है। और इधर देख सकते हैं एक कुआ जो कि गांव का कुआ है, और इधर के कुएं भी बहुत अच्छे दिखते हैं यार, मतलब साफ पानी ऐसा कुछ है। यहाँ का फिश मार्केट और उधर का कुआ, तो हम लोग अभी जा रहे हैं उधर के साइड जो कि बड़े बड़े बोट देखने, जिससे यहाँ पे मछलियाँ समुंदर से यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो लेट्स गो, वहाँ पे जाते हैं चुके बड़े बड़े बोट की तरफ, मतलब इस शिप से मछलियाँ इधर एक्सपोर्ट होती है और उधर है मार्केट। तो अभी है इसके उस तरफ है समुंदर, और देख सकते हैं यार पानी में कितनी सारी बोट उतरी है। हमें गलती से भी मौका मिलना चाहिए उसके अंदर जाने का, अभी ये भी तैयार कर रहे हैं पानी के अंदर जाने का। ये अगर पानी में जाती है ना गाइस, तो ये बोट के लोग 3-3, 4-4 दिन आते नहीं, फिर चाहे जो भी हो जाए। हम लोग जा रहे हैं वो जो पत्थर है उसके ऊपर, उसके उस तरफ बहुत से बोट रुके हैं जो कि मछलियाँ ला चुके हैं या लाने वाले हैं, तो चल के वो देखेंगे। तो इधर से जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि ये पानी पूरा गंदा है, पर जाना तो पड़ेगा। सो लेट्स गो, चलते हैं और देखते हैं। आज मतलब मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ कोकन, जो कि मैंने आपको गैंग की वजह से हमें लेट हुआ मार्केट में आने के लिए, बट मैं जितना दिखा सकता हूँ मैंने उतना दिखाया। और भी इधर मार्केट है, अभी हम शाम को जाने वाले श्रीवर्धन एक्सप्लोर करने, तो मैं आपको श्रीवर्धन भी दिखा सकता हूँ। बट मैंने जैसे कि बोला था, मैं लास्ट टाइम श्रीवर्धन आया था कि मैं पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा, जो कि मैं वो कर रहा हूँ। लोग तैयार हो रहे हैं पानी में जाने के लिए। ए, पानी तो कैसे नाना रिपोर्ट ट्रेन से इस बोट को उठाएंगे और डायरेक्ट पानी में। अब इनका दो मछलियाँ वो सब वो निकाले होंगे शायद से, और ये निकलने की तैयारी में है। देख सकते हैं यार इनको, मतलब जो पैसा कमाते हैं एक ट्रिप का 16-17 लाख, उसमें भी मेहनत है भाई। ऐसा कुछ मार्केट है, आप ये मार्केट देख के आपको ये भी नहीं लगता होगा कि इधर एक दिन में करोड़ों की उलाढ़ाल होती है। ये मार्केट छोड़ के अभी हम जा रहे हैं दिव्यागर, तो लेट्स गो दिव्यागर जाते हैं और मिलते हैं। तो गाइस फिश मार्केट देखने के बाद हम आ चुके हैं दिव्यागर के एक ऐसे टेंपल में जो कि बहुत प्राचीन है और दिखने में यार इतना खूबसूरत है। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पीछे है, देख सकते हैं यार टेंपल कितना खूबसूरत है। तो मैं चलता हूँ टेंपल, दिखाता हूँ आपको थोड़ी सिनेमैटिक के साथ
और बाद में इसकी हिस्ट्री बताने का भी ट्राई करूंगा, क्योंकि दोस्त को पता होगा तो ये बता पाएगा। सो लेट्स गो, चलता है और देखते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ टेंपल है, बट यहाँ पे शूट नहीं कर सकते, यहाँ पे शूट करने के लिए फाइन लगता है। तो मैं रखता हूँ कैमरा और ट्राई करता हूँ फिर भी थोड़ा शूट करने का। सोत सुंदर संपन्न की महा प्रिया मुचा एक महाराष्ट्र देश। गगन भेदी गिरवीण अणु नच जिथे उणे आकांक्षान पुड़ती जिथे गगन ठेंगणे। सो गाइस दिव्या अगर से आने के बाद हमने यहाँ पे बैठे और मेरे पीछे दो बंदे वियर्ड तरीके से देख रहे हैं। दिव्या अगर के आने के बाद बैठे नहाए धोए ये लोग बंदे लोग, तो मैं नहा के गया था तो खाना बीना खा के सो के उठे ये लोग। मैं बैठा था उधर एडिटिंग करने, उधर से बीच का व्यू बहुत सही आ रहा है, मतलब इधर एडिटिंग करने में भी बहुत मज़ा है। मैं पहले तो बीच पे गया था एडिटिंग करने के लिए, बट उधर सीन ऐसे हुआ कि बीच पे मुझे आवाज़ बहुत आ रही थी समुंदर की, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाया, तो इस वजह से इधर ही आके बैठा था। एडिटिंग तो हो चुकी है मेरी वीडियो की, ये वीडियो एडिट होते होते वो ब्लॉग आ चुका होगा, तो वो वीडियो को लाइक करो, ये वीडियो को भी लाइक करो। ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बताना, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। वापस थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय। और नया ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, और मार्केट आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना यार कमेंट में।